मैं अपने अंदर के रावण को तो मार सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर के कुंभकर्ण को नहीं मारा जा सकता। सिर्फ उरुस ही अपने अंदर के रावण को क्यों मारे? स्त्रियों को भी चाहिए कि वो अपने अंदर की तारका, सूर्पनखा के कई आदि को मारे। भाइयों, मुझे हैप्पी दशहरा की इतनी बधाइयाँ मिल रही है कि जैसे रावण को मैंने ही मारा हो। लोगों से अपील है कि बम पटाखों से वायु प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण होता है, इसलिए रावण को गला दबा कर मारे। पता नहीं फिल्मों में टकराने से पहली नज़र में प्यार कैसे हो जाता है। कल मैं भी एक से टकराया तो वो बोली, तो रखियां का फुटबॉल बा रहे। भाइयों, बचपन में डराया जाता था कि मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। अब सोचता हूँ काश मार ही दिया होता। ये कलयुग है जनाब, यहाँ नींद आंखें बंद करने से नहीं, नेट बंद करने से आती है। तूफान का इंतजार ना करें, बाहर डिनर करने का प्रोग्राम बनाएं और पत्नी के तैयार होने के बाद प्रोग्राम रद्द कर दें, तूफान अपने आप आ जाएगा। बाबू मोशाए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो भी अपना डबल दुख सुना देता है। कौन कहता है कि औरतें अपनी गलतियां नहीं मानती? मेरी वाली तो हर रोज कहती है गलती हो गई तुमसे शादी करके। पत्नी, शादी से पहले तुम बहुत मंदिर जाते थे, अब क्या हो गया तुम्हें? पति, तुमसे शादी हो गई और भगवान से ही भरोसा उठ गया मेरा। भैया, अच्छे खासे आदमी की भूख मर जाती है जब बीबी कहती है खाना खा लो, कुछ बात करनी है।